आईपीएल 2023 का जो मिनी ऑक्शन है वो कोची में 23 तारीख को आज होगा, तो जाहिर तौर पर हर किसी की नज़र इस ऑक्शन को लेकर है, किस टीम की क्या रणनीति होगी, किस टीम कौन सी टीम किस खिलाड़ी के पीछे जाएगी, किस तरीके की रणनीति के साथ मैदान पर जाएगी, क्योंकि 405 खिलाड़ियों के नाम तो आए हैं लेकिन उन 405 खिलाड़ियों में से केवल 87 खिलाड़ी ही बिकेंगे, मतलब ज़्यादा खिलाड़ियों की ज़रूरत टीमों को नहीं है। तो ऐसे में हर टीम अपनी अपनी रणनीति अपनी अपनी कमी को पूरा करने के हिसाब से केवल ऑक्शन में जाएगी। तो किस टीम के पास क्या कमियाँ हैं, मैं आपको तीन टीमों की जानकारी इससे अपनी वीडियो में दूंगा। सबसे पहले अपनी इस वीडियो में मैं आपको केकेआर की जानकारी दूंगा कि केकेआर को क्या जरूरत है। केकेआर को देखिए, सबसे पहले अगर मैं केकेआर के स्क्वाड को देखूं तो केकेआर के स्क्वाड में इस वक्त तीन खिलाड़ी आए हैं। जाहिर तौर पर तीनों खिलाड़ियों से केकेआर मजबूत होगी। शार्दुल ठाकुर आए हैं, लोकी फर्गूसन आए, उसके बाद में गुरबाज आए हैं। तो जाहिर तौर पर तीनों अलग अलग तरीके के खिलाड़ी हैं, एक ओपनर है, एक ऑलराउंडर है और एक तेज गति का गेंदबाज है। तो गेंदबाजी ऑलराउंडर्स के तौर पर, बल्लेबाज के तौर पर केकेआर मजबूत हुई है, लेकिन केकेआर को अभी भी बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है। जैसे सबसे पहले केकेआर को एक गुरबाज के साथ कोई दूसरा भारतीय ओपनर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीतीश राणा को आप ओपनिंग कराएंगे तो मध्यम क्रम आपका कमजोर हो जाएगा। नंबर चार पर कौन खेलेगा, नंबर तीन पर कौन खेलेगा, उसके बाद में ओपनर के तौर पर एक भारतीय खिलाड़ी, कोई भी एक भारतीय खिलाड़ी अगर मिल जाए, नटरा अगर मैं जगदीशन की बात करूँ, अगर जगदीशन जैसा कोई खिलाड़ी मिल जाए जो आपके विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर भविष्य में आपके साथ हो और वो आपको ओपनिंग भी दे सके, तो केकेआर एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी के साथ जाना पसंद करेगा जो गुरबाज के साथ ओपनिंग कर सके, गुरबाज के साथ बेहतर पार्टनरशिप कर सके, और सबसे बड़ी बात वो भारतीय होना चाहिए, क्योंकि विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट लगभग लगभग प्लेइंग 11 में केकेआर के पास पूरे हैं। एक भारतीय गेंदबाज बल्लेबाज अगर ओपनर के तौर पर केकेआर को मिल जाए तो उनकी ऊपरी क्रम की परेशानी खत्म हो जाएगी। फिर नंबर तीन पर आप नीतीश राणा को खिला सकते हैं, नंबर चार पर श्रेयस अय्यर को खिला सकते हैं, नंबर पाँच पर आपके लिए रिंकू सिंह आएंगे, नंबर छः पर आंद्रे रसल आएंगे, नंबर सात पर आपके लिए सुनील नारायण आ जाएंगे। तो आपका एक बल्लेबाज अगर ऊपर मिलेगा तो आपके निचले क्रम नंबर सात तक आपकी जो परफेक्ट प्लेइंग 11 है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद में केकेआर को क्या चाहिए, उसके बाद में केकेआर को सबसे ज़्यादा और सख्त ज़रूरत है एक निचले क्रम पर एक स्पिनर, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती उस तरीके की गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती ने 2022 में उस तरीके की गेंदबाजी नहीं की, टीम इंडिया से भी बाहर रहे। तो केकेआर को एक सुनील नारायण का साथ देने के लिए एक शानदार स्पिनर की जरूरत है जो बेहतर तरीके से स्पिन कर सके, विकेट चटका सके, बल्लेबाजों पर लगाम लगा सके। तो केकेआर को जब ऑक्शन में केकेआर जाएगी तो अपने कम से कम इन दो कमियों को जरूर पूरा करने की कोशिश करेगी, एक ऊपरी क्रम पर बल्लेबाज जो भारतीय हो, एक निचले क्रम पर स्पिनर जो भारतीय हो। दोनों अगर केकेआर ने स्लॉट अपने पूरे कर लिए तो जाहिर तौर पर आईपीएल 2023 में केकेआर बहुत मजबूत टीम हो जाएगी, क्योंकि ये दो जगह केकेआर बहुत कमजोर नजर आ रही है। ऊपर से नीचे तक अगर केकेआर के हम प्लेइंग 11 को देखते हैं तो दो जगह केकेआर के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं आईपीएल 2023 में। इसलिए ऊपरी क्रम पर एक भारतीय बल्लेबाज और निचले क्रम पर एक भारतीय स्पिनर, यह केकेआर की सबसे बड़ी सख्त जरूरत है। मिनी ऑक्शन में उम्मीद करेंगे कि केकेआर अपनी इन कमियों को दूर कर लेगा और बेहतर टीम बनाकर आईपीएल 2022 में उतरेगा। आपका केकेआर की इस रणनीति पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।